हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल थाई बेल सीरीज TFF में आपका स्वागत है। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें फी को दिखाया जाता है जो कि अपना मेकअप वगैरह करता है, स्किन केयर रूटीन करता है। उसके बाद फिर वो नॉन से चैट करने लगता है, वो मैसेज टाइप करता है कि तुम क्या कर रहे हो। तो फिर नॉन कहता है कि कुछ नहीं, मैं बस बैठे बैठे बोर हो रहा हूँ। तो फिर नॉन उससे पूछता है कि क्या तुम मिलना चाहते हो। यहाँ पे भी बहुत ज्यादा स्माइल करता है और फाइनली इनके मिलने का प्लान बन जाता है। एक सीन में पी को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा रोमांटिक वे में चलता हुआ लॉबी में आता है और देखता है कि वहाँ पे नॉन बैठा हुआ है। नॉन बहुत ज्यादा स्माइल के साथ पी को देखता है और एक बहुत प्यारी से स्माइल के साथ एक बहुत ही प्यारा सा हाय बोलता है। यहाँ पे पी भी नॉन को एक बहुत प्यारी से स्माइल पास करता है और उसके बहुत ज्यादा करीब जाके उससे बहुत प्यार से बोलता है, क्या तुम ही नॉन हो? तो नॉन स्माइल करता, कहता कि खाप मैं ही नॉन हूँ। फिर हमें यहाँ पर लोगों के बहुत ज्यादा रोमांटिक रोमांटिक मोमेंट दिखाए जाते हैं जहाँ पे लोग अपनी जिंदगी के इन हसीन लम्हों को बहुत ज्यादा अच्छे से एंजॉय कर रहे होते हैं। हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नॉन पी को अपने घर पे लेकर आता है और मौका पाते उसे किस करता है और किस कर भागने लगता है। और यहाँ पर जो पी होता है नॉन के पीछे भागने लगता है, यानी की पूरी रोमांटिक सीन होती है। और यहाँ पर वो सीन भी दिखाया जाता है जहाँ पर नॉन और पी दोनों लोग इंटीमेट हो चुके हुए होते हैं और एक दूसरे को बहुत ज्यादा घूर घूर के देख रहे होते हैं। हमें दिखाया जाता है कि पी और नॉन दोनों ही एक दूसरे के साथ अपनी ही जिंदगी में खुश होते हैं। ये लोग अपने ही यूनिवर्स में खुश होते हैं, ये लोग अपनी दुनिया में अपने सपनों को सजो रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा हैप्पी मोमेंट्स बिता रहे होते हैं और वो सब कर रहे होते हैं जो कि एक नॉर्मल कपल करते हैं। नेक्स्ट सीन हमें इन लोगों को झील के किनारे बैठे हुए दिखाया जाता है जहाँ पे नॉन पी से कहता है कि अगर हम लोग अंधेरा होने का इंतजार करेंगे तो हम लोग मिल्की वे को देख पाएंगे। तो यहाँ पे पी कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम शाम तक का वेट करेंगे तो हम हाथियों के झुंड को देखेंगे। पी की ये बात सुनकर नॉन बहुत ज्यादा स्माइल करता है। तो यहाँ पे पी कहता है कि नॉन अब मैं तुम्हारा और ज्यादा फ्रेंड्स विद बेनिफिट बन के नहीं रह सकता। पी की ये बात सुनकर नॉन शॉक होता है। तो पी नॉन के पास जाता है और उससे कहता है कि मैं अब तुम्हारा कपल बन के रहना चाहता हूँ, चलो हम कपल बन जाएं। पी की ये बात सुनकर नॉन बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। तो यहाँ पे पी कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही समय ले रहे हो जवाब देने में, खैर तुम्हारी जगह मैं जवाब दे देता हूँ। वैसे मैं जानता हूँ कि इस समय तुम बहुत ही ज्यादा कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे हो, लेकिन अब आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इतना बोलकर पी जो होता है एक कपल बैंड नॉन के हाथों में बांधता है और नॉन से कहता है कि वो दूसरा वाला उसके हाथों में बांध दे। तो फिर नॉन बहुत प्यार से वो दूसरा वाला कपल बैंड पी के हाथों में बांध देता है और यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक बहुत प्यारी सी किस होती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि नॉन का एक मैसेज आता है पी के पास जिसमें नॉन ने लिखा होता है कि पी मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, क्या होगा अगर मुझे पुलिस ने पकड़ लिया। तो फिर नॉन को दिखाया जाता है जो कि अपने डैड के पास चुपके चुपके से आता है और उनके टेबल पे बैठता है और अपने डैड से कुछ हाल चाल करता है कि हेलो डैड कैसे हैं, क्या करें दुनिया भर का, और कहता है कि डैड मैं चाहता हूँ कि आप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज में मेरी मदद करें। तो फिर उसके डैड कहते हैं कि और वो क्या है। तो ये पी कहता है कि अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो मैं बहुत ही बड़ी मुसीबत में पड़ जाऊंगा। फिर पी के डैड कहते हैं कि पी साफ साफ बताओ कि तुमने क्या किया है। फिर मैं यहाँ पे पी को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा घूर घूर के एक सोचने वाली मुद्रा में बैठा हुआ है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है पी के डैड को जो कि मीडिया से बातें कर रहे होते हैं और कहते हैं कि हमारे पास पूरी इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट आ चुका है और हमको पता चला कि वो लड़का उस लड़के का उन सभी ग्रीक अकाउंट से कोई लेना देना नहीं है, वो तो बस एक विक्टिम है। तभी यहाँ पे मीडिया कहती है कि लेकिन सर हाउस ऑफ मैनेजमेंट इकाची ने कहा है कि वो लड़का बहुत बुरा लड़का है और उसने उनके बेटे की रिपुटेशन को खराब किया है। तो यहाँ पे पी के डैड कहते हैं कि अभी हमारी जो ये इन्वेस्टिगेशन है उसका कोई क्लियर कंक्लूजन नहीं आया है, हम लोग अभी भी बिग बॉस को सर्च कर रहे हैं और जैसे में वो मिल जाता है सारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा, प्लीज आप लोग पुलिस पे भरोसा रखिए। नॉन ये सारी न्यूज सुनता है और पी से कहता है कि पी तुमने अपने डैड से ऐसा क्या बोला। तो ये पी कहता है कि मैंने अपने डैड से कहा कि मैं भी इन सब चीजों में तुम्हारे साथ शामिल हूं और अगर वो मेरी मदद नहीं करते हैं तो मैं भी एक बुरा बच्चा बन जाऊंगा। तो फिर नॉन कहता है कि और भला तुमने अपने डैड से इस तरीके से झूठ क्यों बोला। तो ये पी कहता है कि वो इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता था, वैसे तुम चिंता मत करो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जिसको मैं हैंडल ही कर सकता। वैसे नॉन क्या मैं तुमसे कुछ कह सकता हूँ, चलो चलो हम लोग दूसरे स्कूल में शिफ्ट हो जाते हैं ताकि हम लोग साथ रह सकें और उस स्कूल में कंटिन्यू पढ़ने का कोई भी फायदा नहीं है और तुम्हारे वो फ्रेंड जो तुम्हें ग्रेसी बुलाते हैं नॉन वास्तव में कोई भी दोस्त ऐसा नहीं करता है। तो यहाँ पे नॉन कुछ भी नहीं बोलता तो फिर उससे कहता है कि नॉन मेरी बात मानो और मेरे साथ चलो। यहाँ पर पी नॉन को बहुत ज्यादा मनाने की कोशिश करता है लेकिन यहाँ पे नॉन जो होता है वो पी से कहता है कि देखो मैं जानता हूँ कि तुम्हारा इरादा बहुत ज्यादा नेक है लेकिन प्लीज मुझे इस पर सोचने के लिए थोड़ा सा समय दो। नेक्स्ट सीन हमें स्कूल का दिखाया जाता है जहाँ पे पी नॉन को बहुत ज्यादा मार रहा होता है और उससे पूछता है और उससे कहता है कि मुझे बताओ कि तुमने पुलिस को ये सब कहने के लिए कैसे मैनेज किया, तुमने तो सारा गुनाह कबूल कर लिया था ना, तो फिर तुम विक्टिम बन के कैसे रह गए, क्या तुम पुलिस के जासूस हो, जल्दी बताओ। तो यहाँ पे नॉन कहता है कि नहीं मैं उनका जासूस नहीं हूँ, मैंने तो बस उनसे मेरी मदद करने के लिए कहा था। ये सारी बातें सुनने के बाद टी जो होता है वो नॉन को छोड़ देता है और उससे कहता है कि ग्रेसी और ज्यादा मुसीबतें खड़ी करने के बारे में सोचना भी मत, तुमने ये सब खुद से किया है और जिसमें मेरा कोई भी भागीदारी नहीं है। तो यहाँ पे नॉन कहता है कि लेकिन मैंने तो उनसे कुछ भी नहीं कहा। तो यहाँ पे टी कहता है कि तुमने किसी से इस केस में मदद करने के लिए कहा लेकिन बॉस जॉय के लिए हुए पैसे वापस करने में उसकी मदद के लिए क्यों नहीं कहा, तुमने उनसे जितने भी पैसे लिए हैं वो सारे पैसे उनको वापस कर दो ताकि मेरा तुम्हारा किस्सा खत्म हो जाए। तो यहाँ पे नॉन कहता है कि मैं भी वही
करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या मुझे थोड़ा सा और समय नहीं मिल सकता? तो यहाँ पिटी कहता है कि तुम इसमें ज्यादा समय मत लो और ना इसे एक बहुत बड़ा मामला बनने दो, नहीं तो मैं तुम्हारे लिए मुसीबतों का कारण बन जाऊंगा। मैं तुम्हें फिर से वार्न कर रहा हूँ क्रिस्सी, बॉस बिल्कुल भी शांत स्वभाव की नहीं है, वो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। इतना सब कुछ बोल कर टी वहाँ से चला जाता है और नॉन खड़े खड़े परेशान हो रहा होता है। नेक्स्ट सीन में नॉन को दिखाया जाता है कि वो क्लास में इंटर कर रहा होता है, पावर अपने सामने की रखी हुई चेयर पे एक जोरदार पैर मारता है और अपना गुस्सा दिखा रहा होता है और वो कहता है कि लो आ गया समस्या पैदा करने वाला, पहले तो तुमने मेरा कैमरा तोड़ दिया जिसकी वजह से हम मूवी शूट नहीं कर पा रहे थे और अब तुम बार बार मेरे लिए समस्याएं खड़ी करते जा रहे हो। तभी यहाँ पे फ्लूक कहता है कि पावर क्या तुम्हें लगता है कि हमें इसे शॉर्ट फिल्म प्रोजेक्ट से निकाल देना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे डैड ने तुमसे कहा कि तुम इस क्रिस्सी से दूर रहो। तभी यहाँ पे जिन कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, नॉन ने हमारे लिए स्क्रिप्ट लिखी है और उसने बहुत सारे सीन्स में हमारी मदद भी की है और एक इम्पोर्टेंट बात प्लस ने ये चीज साफ साफ कर दी है कि नॉन इन सब चीजों में इन्वॉल्व नहीं था, वो तो बस विक्टिम है। तो यहाँ पे पावर कहता है लेकिन ये तो तुम भी जानते हो कि वो वास्तव में एक फ्रॉड है और अब तुम उसे बचाने की कोशिश कर रहे हो। तो यहाँ पे जिन कहता है लेकिन नॉन ने ये स्क्रिप्ट लिखी है क्योंकि हम लोग उसे अच्छे से नहीं लिख सकते थे और अगर तुम अभी उसे हटाते हो तो तुम्हें नहीं लगता कि ये और ज्यादा बड़ी समस्या हो जाएगी? तो पावर कहता है कि ठीक है, जब तक हमारी शूटिंग खत्म नहीं हो जाती हम ग्रेसी को अपने साथ रखेंगे, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, मैं इसके जैसे फ्रॉड को इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर सब लोग घूर घूर के नॉन को देख रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में नॉन को दिखाया जाता है जो कि अकेले जा रहा होता है, तभी उसके पीछे जिन दौड़ता हुआ आता है और नॉन नॉन ऐसे आवाज लगा रहा होता है। यहाँ पर जिन नॉन का हाथ पकड़ के उसे रोकता है लेकिन नॉन अपना हाथ छुड़ा लेता है। तो यहाँ पर जिन उससे कहता है कि तुम बहुत ज्यादा मत सोचो, वो लोग बस तुमसे गुस्सा है, उन्हें थोड़ा सा समय दो। फिर नॉन कहता है कि जिन मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी गलती है। तो फिर जिन कहता है कि हे कोई बात नहीं, तुमने अपना नाम के ऊपर से इस कलंक को हटा दिया है और अब ये किसी भी मुसीबत की वजह नहीं है। पावर के डैड भी वजह इन सब चीजों को बढ़ा चढ़ा रहे हैं जो कि वो हमेशा ही करते हैं। तुम चिंता मत करो, एक बार मूवी दिखाई जाएगी तो ये सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। और इतना बोलकर जिन जो था वो नॉन को बहुत ज्यादा कम्फर्ट करने की कोशिश करता है और उसके शोल्डर पे हाथ रखता है। नॉन इस चीज को नोटिस करता है और वो जिन का हाथ अपने शोल्डर से हटा देता है। तो यहाँ पे जिन स्माइल करते हुए उसे कहते हैं ठीक है हम लोग सेट पे मिलते हैं और वो उसको बताता है कि वो लोग लाइन ग्रुप चैट में सेट की डेट को डिसाइड कर लेंगे और तुमको बता देंगे। और यहाँ पर हमें नॉन को दिखाया जाता है जो कि जिन से बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन हमें पी को दिखाया जाता है जो कि नॉन से कह रहा होता है कि तुम्हें अभी भी उन लोगों के साथ सेट पर काम क्यों करना है, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं कि तुम उन जैसे लोगों के करीब जाओ, क्या वो सच में तुम्हारे दोस्त है? तो फिर नॉन कहता है कि मैंने पावर और बाकी के लोगों से कहा है कि मैं इस मूवी को जरूर से जरूर कम्प्लीट करूंगा, मैं एक गैर जिम्मेदार इंसान नहीं बनना चाहता। तो फिर पी कहता है लेकिन ये तो एक कॉन्टेस्ट के पर्पज से बनाई जा रही शॉर्ट फिल्म है, तुम्हें इसे लेकर इतना ज्यादा सीरियस होने की क्या जरूरत है? फिर नॉन कहता है कि पी तुम ये अवश्य सोच सकते हो कि बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मेरे लिए ये वो है जो कि मैं वास्तव में करना चाहता हूँ। तो पी कहता है कि ठीक है नॉन, क्या इसके सिवा कुछ और भी है जिसके बारे में तुमने मुझे अभी तक नहीं बताया है? तो यहाँ पे नॉन पहले थोड़ा सा सोचता है और उसके बाद कहता है कि नहीं कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे पी कहता है कि कुछ नहीं है या फिर तुम मुझे बताना ही नहीं चाहते? तो यहाँ पे नॉन कहता है कि अगर तुमको मुझ पे भरोसा ही नहीं है तो तुम मुझसे पूछ क्यों रहे हो? तो यहाँ पे पी कहता है कि क्योंकि मुझे पता है कि कुछ और भी है जो तुम मुझे नहीं बता रहे हो। खैर जो भी है नॉन, मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा फिक्र है। तो फिर नॉन कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ और इसलिए मुझे एक बार ये मूवी खत्म करने दो, उसके बाद मेरा उन लोगों से कोई भी लेना देना नहीं होगा। क्या मैं कम से कम एक बार इन सब चीजों को खुद से मैनेज कर सकता हूँ पी? तो यहाँ पे पी कहता है ठीक है मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ और वो भी सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन पे। तो यहाँ पे नॉन पूछता है कि और वो कंडीशन क्या है? तो यहाँ पे पी कहता है तुमको मुझसे ये प्रॉमिस करना होगा कि तुम अब से मुझसे झूठ नहीं बोलोगे और मुझे सब कुछ सच सच बताओगे। तो यहाँ पे नॉन फिर से पिंकी प्रॉमिस करता है, कहता है कि मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुमसे कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा और तुम्हें सब कुछ सच बताऊंगा। नेक्स्ट सीन में पावर उसके फ्रेंड्स को उस जंगल वाले घर में दिखाया जाता है जहाँ पे दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। तो यहाँ पे जो टी होता है वो खिड़की से झांक के देखता है तो गेट पर नॉन खड़ा होता है। जब कोई भी दरवाजा खोले नहीं जाता तो यहाँ पे जिन कहता है ठीक है मैं जाकर नॉन के लिए दरवाजा खोलता हूँ। ऐसा बोलकर जिन जो होता है वो डोर पे जाता है और नॉन के लिए दरवाजा ओपन करता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे आए? तो यहाँ पे नॉन कहता है कि वो एक्चुअली गाँव वालों ने मुझे यहाँ ऊपर तक पहुँचाया है। ये सुनकर जिन बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है कि खैर छोड़ो हम अंदर चलो, हम लोग कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तो यहाँ पे नॉन जो होता है बहुत ज्यादा हाँफते हुए घर के अंदर आता है और इन सब लोगों को देखकर कहता है कि गाइस आई एम सॉरी, वो एक्चुअली आज सुबह मुझे उठने में बहुत ज्यादा देर हो गई। और ऐसा बोलकर वो जैसे कपड़े चेंज करने वाला होता है तो यहाँ पे पावर जो था वो नॉन को रोकता है, कहता है कि नॉन कपड़े चेंज करने मत जाओ, मैं अंकल डैंग से हमारे लिए खाना लाने के लिए कहना भूल गया, तो क्या तुम प्लीज जाकर नीचे से हम लोगों के लिए खाना ला सकते हो? ये सुनकर नॉन थोड़ा सा शॉक होता है लेकिन यहाँ पे पावर से कहता है कि तुम्हें ये तो पता है ना कि तुम्हें ड्राइव कैसे करना है, और सब बोलकर उसको स्कूटी की चाबी देने लगता है। तो यहाँ पे जिन पावर को ऐसा करने से रोकता है लेकिन यहाँ पर पावर जो होता है वो नॉन से कहता है कि अंकल डैंग की मोटरसाइकिल बाहर खड़ी हुई है, जब तक तुम हम लोगों के लिए खाना लाने जाओगे तब तक हम यहाँ पर रिहर्सल कर लेंगे। तो यहाँ पे जिन कहता है कि पावर तुम नहीं चाहते ना कि नॉन हम लोगों के साथ रिहर्सल पे रहे, देखो वो इसका राइटर है और इसलिए अब कोई भी उससे नहीं उलझेगा। तो यहाँ पे पावर कहता है कि देखो ये बस रीशूटिंग है, उसको यहाँ पे रुकने की कोई जरूरत नहीं है, ये पहले की जैसी ही है। इतना बोलकर पावर जो होता है वो नॉन को चाबी देने लगता है। तो यहाँ पे नॉन जो होता है वो जिनको शांत कहता है, उसे कहता है कि वैसे भी मैं बहुत ज्यादा लेट था तो ये बेटर होगा कि मैं ही इन सब लोगों के लिए जाकर खाना लेकर आऊं। इतना बोलकर नॉन वहां से चला जाता है। नॉन के जाते ही पावर कहता है कि तुम लोग यहाँ पर बैठकर टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हो, चलो चलो चलकर हम लोग शूट करते हैं। तो यहाँ पे फ्लूक कहता है लेकिन तुमने तो कहा था कि हम लोग क्रिस्सी का इंतजार करेंगे। तो फिर जिन कहता है कि हाँ फ्लूक सही कह रहा है और जो सीन हम शूट करने वाले हैं उसमें हमें
नॉन की भी जरूरत पड़ेगी, और अगर वो यहाँ पर नहीं है तो हम कैसे शूटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे पावर कहता है कि उसे कट कर दो, मैं दोबारा कभी भी उसका चेहरा अपने मूवी में शो नहीं होने दूंगा। जिन चुपचाप खड़े खड़े सब सुन रहा होता है और वो कुछ भी नहीं कर पाता। नेक्स्ट सीन में थोड़ी देर बाद का दिखाया जाता है जहाँ पे नॉन बहुत ज्यादा परेशान होते हुए खाना लेकर आ रहा होता है और कहता है की गाइज किसी ने मेरे लिए दरवाजा क्यों नहीं ओपन किया। और जब वो देखता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता और वो यही सोच रहा होता है की सारे के सारे लोग कहाँ चले गए। ऐसा बोलकर वो सारा का सारा खाना टेबल पर रख देता है। तभी वो देखता है की सीढ़ियों से पावर एंड कंपनी बहुत ज्यादा स्मेल करते हुए आ रही होती है और बार बार ये बोल रहे होते हैं कि ये शूटिंग बहुत ही ज्यादा अमेजिंग थी। उन लोगों की आते ही नॉन चिल्ला के कहता है कि तुम लोगों ने मेरा इंतजार क्यों नहीं किया, मैं तुम लोगों के लिए खाना लाने के लिए बाहर गया था। तो यहाँ पे पावर कहता है कि खैर तुम बहुत ही ज्यादा स्लो हो और यहाँ पर कोई भी फोन सिग्नल नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें कॉल नहीं कर सका। और एक चीज, अगर मैं तुम्हारा इंतजार करता तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि शाम हो जाती, बाकी के लोगों को भी बहुत सारे काम होते हैं, हम लोग बस फालतू नहीं बैठे हुए हैं। और वैसे तुमने किया ही क्या है, तुम बस एक राइटर हो, तुम्हें नहीं लगता कि तुमने इसका बहुत ही ज्यादा एडवांटेज ले लिया है। फिर यहाँ पे पावर जो था वो खाने के पैकेज जाके चेक करने लगता है और कहता है कि तुम क्या लेकर आए हो। हाँ, और बहुत ज्यादा नॉन के ऊपर गुस्सा करने लगता है। तो यहाँ पे नॉन कहता है कि वो तभी पहुंच ला के कहता है कि इसमें कुछ भी नहीं है, ये कूड़ा भर कर लेकर आया है। वैसे आज मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ, हम कल से शूटिंग को कंटिन्यू करेंगे, टॉप जाके सारा खाना ऊपर लेके चलो। तो यहाँ पे टॉप जो होता है वो सारा खाना लेने आता है और वो बीच में जो होता है नॉन को ऐसा धक्का देते हुए चलता है। जिन ये सब बहुत ज्यादा नोटिस कर रहा होता है, उसको बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होता है, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। वो वापस नॉन के पास आता है और उसको मनाने की कोशिश करता है और वो नॉन से कहता है कि तुम पॉर की बातों पर ध्यान मत दो, वो बस ऐसा ही है। और यहाँ पर जो नॉन होता है गुस्से में अपनी नाक को ऐसे नोजी नोजी करता है, तभी उसके हाथों का निशान जो होता है वो जिन को दिख जाता है। तो यहाँ पे जिन जो होता है वो नॉन से कहता है कि और तुमने मोटर बाइक भी गिरा दी है ना। तो यहाँ पे नॉन कहता है कि वो जब मैं खाना लाने के लिए गया था तब ऐसा हुआ, एक्चुअली मैं नहीं चाहता था कि तुम लोगों को बहुत ज्यादा भूख लगे, तुम लोग भूख से तड़पो। तो यहाँ पे जो जिन होता है बहुत प्यार से नॉन के शोल्डर पे हाथ रखता है और उसे कहता है कि अगली बार से अगर तुम्हें किसी भी चीज में मेरी मदद चाहिए होगी तो तुम जरूर कहना, वैसे तुम अकेले कैसे इतने सारे पैकेट्स को ला पाते होगे, नेक्स्ट टाइम से मुझे अपने साथ लेकर चलना। तो फिर नॉन जो था वो जिन का हाथ अपने शोल्डर से हटा देता है और उसे कहता है कि लेकिन मैं किसी पर भी बोझ नहीं बनना चाहता। तो यहाँ पे जिन कहता है लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि तुम मुझ पर बोझ हो। तो फिर नॉन कहता है कि लेकिन मैं ऐसा महसूस भी नहीं करना चाहता, ये सब मैं खुद से कर लूंगा, जिन तुम बस अपना काम करो। नेक्स्ट सीन में नॉन को बहुत सारे खाने के पैकेज के साथ बेंच पे बैठे हुए दिखाया जाता है। तभी वहाँ पर पॉर उसकी कंपनी बहुत ज्यादा बातें करते हुए आती है। तो यहाँ पे नॉन इन लोगों से कहता है कि हे गाइस मैं तुम लोगों के लिए खाना लेकर आया हूँ। तो यहाँ पे पॉर जो था वो खाने के पैकेज देखता है और टॉप को वो पैकेज उठाने के लिए बोलता है। और यहाँ पे पॉर जो था वो नॉन को वो भूतिया कॉस्ट्यूम देता है और उसे कहता है कि ग्रेसी अब से तुम मर्डर का रोल प्ले करोगे। तो फिर नॉन कहता है कि लेकिन ये रोल तो ठीक है ना। तो यहाँ पे पॉर कहता है कि अब मैं नहीं चाहता कि इस रोल को प्ले करे, मैं चाहता हूँ कि इसकी जगह पे तुम ये रोल प्ले करो। तो यहाँ पे नॉन कहता है कि तुम इस तरीके से अचानक से कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हो, इस तरीके से काम नहीं चलेगा, मैंने स्पेशली जिसका रोल जैसा है उस हिसाब से स्क्रिप्ट लिखी है। और एक चीज, क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमने ऑलरेडी बहुत ज्यादा शूटिंग कर ली है, तुम ऐसे अचानक से चीजों को नहीं बदल सकते। तो यहाँ पे पॉर कहता है कि अगर ऐसा है तो हम फिर से शूटिंग करेंगे, मैं डायरेक्टर हूँ और मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और या फिर तुमको इससे कोई प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे नॉन कहता है लेकिन वो स्क्रिप्ट मैंने लिखी है। तो यहाँ पे पॉर कहते हैं लेकिन इसमें जो पैसे लग रहे हैं वो मेरे हैं और इसलिए मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, और क्या तुम सिर्फ वही नहीं कर सकते ग्रेसी जो मैं कह रहा हूँ। तो यहाँ पे नॉन चिल्ला के कहता है कि नहीं मैं ये बिल्कुल भी नहीं करूंगा। तो यहाँ पे पॉर कहता है कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुमको क्या लगता है कि मुझे तुमसे भीख मांगनी चाहिए ऐसा कुछ, अगर तुम ये नहीं करना चाहते तो इस जगह से निकल जाओ, हम तुम्हारे बिना भी अच्छे से शूटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे नॉन कहता है कि ठीक है फिर मुझे मेरी स्क्रिप्ट वापस करो, ऐसा बोलकर वो पॉर से स्क्रिप्ट छीनने लगता है लेकिन वो पॉर से स्क्रिप्ट नहीं छीन पाता। तो यहाँ पे पॉर कहता है कि स्क्रिप्ट अब मेरे हाथों में है और ये मेरी है, और अगर तुम चाहते हो कि मैं इसे वापस करो तो तुम अपने बाप को भेजो और उसे कहो कि आकर मेरे पैरों में गिड़गिड़ाए। पॉर की ऐसी वाहियात भरी बातें सुनने के बाद नॉन गुस्से से वहां से जाने लगता है। तभी जिन जो होता है नॉन के पीछे पीछे भागता है और कहता है कि नॉन रुको, नॉन ऐसे गुस्सा होकर मत जाओ, वापस आओ और आकर बातें करो। तो फिर नॉन कहता है कि क्या बात करूं, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि जिन ये काम करेगा, जिन यहाँ पर कोई भी नहीं चाहता कि मैं यहाँ पर रहूँ। तो यहाँ पे जिन कहता है कि हे ऐसा नहीं है, मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर रहो। तो यहाँ पे नॉन कहता है कि सिर्फ तुम ही हो जिन, तुम्हारे अकेले होने से क्या अच्छा होगा। तो फिर जिन कहता है कि मैं जानता हूँ नॉन तुम्हें भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो, लेकिन अगर तुम अभी गए तो वो सारी मेहनत जो तुमने किसी चीज के लिए की है वो सब बेकार हो जाएगी। नॉन तुमने कहा था ना कि तुम मूवी बनाना चाहते हो और उसे कम्प्लीट भी करना चाहते हो। तो फिर नॉन कहता है लेकिन ये लोग जो कर रहे हैं उससे यही लगता है कि मैंने जो कुछ भी लिखा उसका कोई वैल्यू ही नहीं है। तो यहाँ पे जिन जो था बहुत प्यार से नॉन के शोल्डर पे हाथ रखता है और उसे कहता है कि पॉर इडियट है जो चीजों को इस तरीके से चेंज कर रहा है, लेकिन अगर हम इसको दूसरी तरह से देखें तो नॉन तुम अभी भी इस प्रोजेक्ट के पार्ट हो, अभी बस फर्क इतना होगा कि तुम्हारा रोल बदल जाएगा, तुमने राइटर से अपनी शुरुआत की थी और तुम एक्टर पे इसको खत्म करोगे, इसको हम दूसरे नजरिए से भी देख सकते हैं, तुम अभी भी इसके पार्ट हो। तो यहाँ पे नॉन को कहीं ना कहीं जिनकी बातें समझ में आने लगती है और वो जिनसे कहता है कि लेकिन मैं सच में मर्डरर का रोल प्ले नहीं करना चाहता। तो फिर जिन कहता है कि ऐसे बहुत सारे विलन कैरेक्टर हैं जिनकी बहुत ज्यादा अच्छी एक्टिंग होती है और उनको लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, एक और चीज ये अच्छी बात है कि तुमको मर्डरर का रोल प्ले करने को मिल रहा है, तुमने ही इस कैरेक्टर को लिखा है और तुम इस कैरेक्टर को बहुत ज्यादा अच्छे से समझते भी हो। तो फिर नॉन
कहता है कि जिन क्या ये सच में अच्छा होगा अगर मैं वापस आ जाऊँ तो? तो फिर जिन कहता है कि हाँ यही अच्छा होगा। सो फ्रेंड ये पार्ट पे खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और हाँ हमारे व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इंस्टा पे मुझे फॉलो करना ना भूलें। एंड वंस अगेन सॉरी फॉर बीइंग लेट। और हाँ हर संडे को इंस्टा पे हर रात 10 बजे मुझसे मिलना ना भूलें।